9 फरवरी 2024 मौनी अमावस्या के दिन बस अपने गले में पहन लेना, इस पौधे की जड़ तुरंत ही आपको अपने जीवन के हर कष्टों से मिल जाएगी। मुक्ति भगवान विष्णु जी, माता लक्ष्मी जी और भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद से आपके जीवन में होगी। धन की वर्षा खुशियों से भर जाएगा आपका घर, आपकी हर मनोकामना होगी पूरी, बन जाओगे आप करोड़पति। दोस्तों, वैसे तो एक वर्ष में 12 अमावस्या तिथि पड़ती है, लेकिन इनमें सबसे ज्यादा विशेष और खास महत्व अगर किसी अमावस्या तिथि को माना गया है, वह मौनी अमावस्या तिथि को माना गया है, क्योंकि इस दिन की गई पूजा, साधना, व्रत नहान से एक व्यक्ति को साक्षात उसके पितरों का, भगवान विष्णु जी का, भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद एक साथ प्राप्त होता है। दोस्तों, 9 फरवरी को पड़ने वाली मौनी अमावस्या तिथि के बारे में हिंदू पंचांग के अनुसार बताया जा रहा है कि इस दिन कुल 82 तरीके के शुभ योग बन रहे हैं, जिसमें महालक्ष्मी योग, धन योग, इंद्र योग, ब्रह्म योग, सतलज योग जैसे कुल 52 तरीके के शुभ योग बन रहे हैं, और पूरे 102 वर्षों बाद एक ऐसी अमावस्या तिथि का समय आया है जिसमें 52 तरीके के शुभ योग बन रहे हैं। दोस्तों, माँ मौनी अमावस्या तिथि के बारे में बताया जाता है कि इस दिन की गई पूजा से आपको भगवान भोलेनाथ का वह आशीर्वाद मिलता है जिसके बाद आपके जीवन का हर कष्ट जड़ से नष्ट हो जाता है। दूसरी तरफ मौनी अमावस्या तिथि भगवान विष्णु जी का आशीर्वाद प्राप्त करने का सबसे अच्छा मौका माना जाता है। इसी के दूसरी तरफ शास्त्रों में लिखा हुआ है कि इस अमावस्या तिथि पर माता लक्ष्मी जी बहुत ही ज्यादा प्रसन्न मुद्रा में होती है और अपने दोनों हाथों से अपने भक्तों पर कृपा बरसती है। और दोस्तों, अगर आप इस 9 फरवरी 2024 को पढ़ने वाली मौनी अमावस तिथि के दिन ब्रह्म मुहूर्त में सोकर उठते हैं, किसी पवित्र नदी में जाकर स्नान करते हैं, पूरे दिन का व्रत करते हैं, तो दोस्तों साक्षात आपको भगवान विष्णु जी, माता लक्ष्मी जी और भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद एक साथ प्राप्त होगा, जिसके बाद न केवल आपके जीवन का हर कष्ट जड़ से नष्ट हो जाएगा बल्कि आपके जीवन में चमत्कारी और सकारात्मक बदलाव आएगा। लेकिन किसी कारणवश अगर आप इस 9 फरवरी को पढ़ने वाली मौनी अमावस्या तिथि के दिन ब्रह्म मुहूर्त में सोकर नहीं उठ सकते हैं, किसी पवित्र नदी में जाकर स्नान नहीं कर सकते हैं, व्रत नहीं कर सकते हैं, लेकिन अगर आप इस दिन तंत्र शास्त्र के अनुसार उन पौधों की जड़ों को विधि विधान से सही मुहूर्त पर धारण कर लेते हैं, जिसके बारे में आज के इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं, तो सिर्फ इतना ही उपाय करने भर से साक्षात आपको भगवान भोलेनाथ का वह आशीर्वाद मिलेगा जिसके बाद आपकी कैसी भी मनोकामना हो वह जरूर पूरी हो जाएगी। दूसरी तरफ भगवान विष्णु जी की कृपा से आपका भाग्य प्रबल हो जाएगा, और इसी के दूसरी तरफ इस उपाय को करने के बाद माता लक्ष्मी जी की कृपा से इस अमावस्या के बाद आपके जीवन में धन की वर्षा होगी। आपके जीवन में जो धन आएगा उसमें वृद्धि होगी, आपके जीवन में धन आने के रास्ते खुल जाएंगे, आपका भाग्य प्रबल हो जाएगा, और फिर इस अमावस्या तिथि के बाद आपको कामयाब होने से कोई भी नहीं और रोक पाएगा। दोस्तों, जिन पौधों की जड़ों को हम आपको धारण करने के लिए बताने जा रहे हैं, या वह पौधे हैं जिनमें भगवान भोलेनाथ, भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी की दिव्य शक्तियों का वास होता है, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार इन पौधों में जो सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होता है वह मौनी अमावस्या के दिन बहुत तेज हो जाता है, और अगर आप 9 फरवरी अमावस्या तिथि के दिन इन पौधों की जड़ों को अपने गले में धारण कर लेते हैं, तो यकीन मानिए दोस्तों, आपके जीवन का हर कष्ट झड़ से नष्ट हो जाएगा और आपके जीवन में भगवान भोलेनाथ, भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से एक चमत्कारी और सकारात्मक बदलाव आएगा। दोस्तों, अगर आपके ऊपर शनि दोष है, अगर आप अपने जीवन में बहुत परेशान हैं, गरीबी आपका पीछा नहीं छोड़ रही है, तो इसके लिए आप महंगे रत्न खरी हैं। लेकिन दोस्तों, महंगे रत्न में आपको लोग बेवकूफ बना सकते हैं, लेकिन अगर आप किसी पौधे की जड़ को धारण करेंगे तो उसमें आपको कोई भी बेवकूफ नहीं बना पाएगा और उसका आपको अच्छा परिणाम मिलेगा। पुराने समय के जितने भी ऋषि मुनि होते थे वह भी पौधों की जड़ों को धारण करते थे, और अगर आपने इस मौनी अमावस्या पर तंत्र शास्त्र के अनुसार उन पौधों की जड़ों को अपने गले में धारण कर लेते हैं जिसके बारे में हम आपको इस वीडियो में बताने आ रहे हैं, तो यकीन मानिए दोस्तों,
फिर आपके जीवन में आपको सफल होने से कोई नहीं रोक पाएगा। इसीलिए इस वीडियो को लास्ट तक अंत तक बिना भगाए देखिएगा। और अगर आप चाहते हैं कि भगवान विष्णु जी, भगवान भोलेनाथ और माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद हमेशा आप पर और आपके परिवार पर बना रहे, तो पूरी सच्ची श्रद्धा और पूरे विश्वास के साथ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, जय भगवान विष्णु जी की, जय माता लक्ष्मी जी की, ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि इस अमावस्या तिथि के बाद आपकी मनोकामना पूरी हो जाए, आपकी कोई ऐसी इच्छा है जो आप चाहते हैं कि वह पूरी हो जाए, तो एक बात को समझ लीजिए, भगवान भोलेनाथ अगर किसी व्यक्ति को आशीर्वाद दे दें तो उस व्यक्ति की कोई भी मनोकामना हो वह जरूर पूरी हो जाती है। और दोस्तों, जब धरती पर अमृत की कुछ बूंदें गिरी थीं, वह लटजीरा के पौधे पर जाकर गिरी थी। लटजीरा का जो पौधा है, इसमें भगवान भोलेनाथ की दिव्य शक्तियों का वास होता है। और अगर आप चाहते हैं कि एक ही दिन के उपाय से आपकी मनोकामना पूरी हो जाए, तो दोस्तों मौनी अमावस्या तिथि के दिन आपको कहीं से भी लटजीरा के पौधे की जड़ को हासिल करना होगा। फिर आपको अच्छी तरीके से नहाना है और एक लोटा जल लेना है, एक तांबे की ताबीज लेनी है और भगवान भोलेनाथ के मंदिर जाना है। सबसे पहले भगवान भोलेनाथ के मंदिर जाने के बाद आपको एक लोटा जल शिवलिंग पर अर्पित करना है और भगवान भोलेनाथ के बीज मंत्र का जाप आपको 108 बार करना है, क्योंकि भगवान भोलेनाथ जी को 108 की संख्या बहुत ज्यादा प्रिय है। बीज मंत्र है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हम फिर से रिपीट कर दे रहे हैं दोस्तों, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। फिर आपको इस तांबे के ताबीज में लटजीरा की जड़ को रखकर अपने गले में धारण कर लेना है। सिर्फ इतना उपाय, अगर आपने मोनियम अमावस्या तिथि के दिन सही मुहूर्त पर विधि विधान से इसी तरीके से कर लिया जैसा हमने आपको बताया है, तो दोस्तों यकीन मानिए, इतना उपाय करने के बाद भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद से आपकी कोई भी मनोकामना होगी वह जरूर पूरी हो जाएगी। ये एक ऐसा उपाय है जो मौनी अमावस्या तिथि के दिन किया जाए तो कभी भी खाली नहीं जाता है। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं इस अमावस्या तिथि के बाद हमेशा आपका भाग्य आपका साथ दें, आप जिस कार्य को भी शुरू करें उस कार्य में आपको सफलता प्राप्त हो, तो एक बात को समझ लीजिए, किसी भी व्यक्ति के जीवन के भाग्य का, राहु केतु का जो नियंत्रण होता है वह भगवान विष्णु जी के हाथों में होता है। और दोस्तों, अपराजिता का जो पौधा होता है इसको विष्णु कांता भी बोला जाता है, क्योंकि यह एक ऐसा पौधा होता है जिसमें भगवान विष्णु जी की दिव्य शक्तियों का वास होता है। तो आपको इस मौनी अमावस्या तिथि के दिन विष्णुकांत के पौधे की जड़ सहित लेकर के आना है, आपको अच्छी तरीके से नहा लेना है और आपके घर का जो भी पूजा घर है वहां पर आपको जाना है, वहां पर भगवान विष्णु जी की कला चित्र होना बहुत जरूरी है। सबसे पहले आपके घर के पूजा घर पर एक घी का दीपक जला देना है। अब आपको तांबे की ताबीज और विष्णुकांता पौधे की जड़ को हाथ में पकड़ना है और भगवान विष्णु जी के बीज मंत्र का जाप 11 बार करना है। भगवान विष्णु जी को 11 नंबर अत्यंत प्रिय है, बीज मंत्र है ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। हम फिर से रिपीट करते रहे दोस्तों, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। और फिर इस पौधे की जड़ को आपको अपने गले में धारण कर लेना है। सिर्फ इतना उपाय, अगर आपने इस अमावस्या तिथि दिन कर लिया तो भगवान विष्णु जी की कृपा से हमेशा आपका भाग्य आपका साथ देगा। आप जिस कार्य को भी पूरे साल शुरू करेंगे उस कार्य में आपको सफलता प्राप्त होगी, हमेशा आपका दुर्भाग्य आपसे दूर रहेगा और भगवान विष्णु जी की कृपा हमेशा पर बनी रहेगी। अगला उपाय है धन प्राप्ति का महा उपाय। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि इस अमावस्या तिथि के बाद आप करोड़पति बन जाए, माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से आपके जीवन में धन की वर्षा हो, तो एक बात को समझ लीजिए, जो सदाबहार का पौधा होता है इसमें माता लक्ष्मी जी के आठ स्वरूप का वास होता है। तो सिर्फ आपको यह करना है कि इस मौनी अमावस्या तिथि के दिन कहीं से भी सदाबहार के पौधे की जड़ ढूंढ कर लाना है। आपको यह उपाय सूर्यास्त के बाद करना होगा, लेकिन सूर्यास्त से पहले आपको इस पौधे की जड़ को हासिल कर लेना है। सूर्यास्त के बाद आपको अच्छी तरीके से नहा लेना है। आपके घर का जो भी पूजा घर है, जहां भी माता लक्ष्मी जी की कला चित्र रखी हुई है, वहां पर आपको जाना है।
सबसे पहले पूजा घर पर आपको घी का दीपक जलाना है। सदा बाहर के पौधे की जड़ को और एक तांबे की ताबीज को अपने हाथ में पकड़ना है। फिर आपको माता लक्ष्मी जी के बीज मंत्र का जाप 11 बार करना है। बीज मंत्र है ओम महालक्ष्मी नमः। हम फिर से रिपीट कर दे रहे हैं दोस्तों, ओम महालक्ष्मी नमः। अब आपको सदा बाहर के पौधे की जड़ को तांबे की ताबीज में रखना है और इसको अपने गले में धारण कर लेना है। सिर्फ इतना उपाय अगर आपने इस अमावस्या के दिन कर लिया तो मानकर चलिए दोस्तों, माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से पूरे साल आपके जीवन में धन की वर्षा होगी।